हाय दोस्तों, T4 चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे कि आप अपने फ्लिपकार्ट अकाउंट में लॉगिन या साइन इन कैसे कर सकते हैं, अगर आपने अकाउंट से लॉग आउट कर दिया है तो उसके लिए आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको अपना फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन आपको अपने मोबाइल फ़ोन में ओपन कीजिए। तो जैसे ही हमने ओपन किया, आपके सामने इस तरीके से पेज खुलेगा। अब आपको यहाँ पर लॉगिन या साइन इन करना है तो नीचे एक ऑप्शन मिलता होगा, यहाँ पर देखिए, जहाँ पर मैं सर्कल घुमा रहा हूँ, नोटिफिकेशन, और उसके जस्ट बाजू में अकाउंट लिखा हुआ है, तो अकाउंट ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। जैसे हमने अकाउंट में क्लिक किया, आपके सामने इस तरीके से पेज खुला। अब यहाँ पे माय अकाउंट का ऑप्शन है ऊपर, और नीचे साइन इन लिखा हुआ है, तो इसमें साइन इन के ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। जैसे हमने साइन इन में क्लिक किया, अब आपसे पूछेगा कि आप किस नंबर से आप साइन इन करना चाहते हैं। तो आप जो पहले नंबर आप यूज़ करते थे, वहाँ पे एड्रेस वगैरह सेव करके रखा था, तो वहाँ पे उस नंबर को आप साइन इन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे पहले वाले नंबर आप डाल लीजिए। तो चलिए मैं अपना पहले वाला नंबर डाल लेता हूँ। नंबर डालने के बाद नीचे ऑप्शन है कंटिन्यू, इसमें क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर, जो आपने नंबर डाला है, उसके ऊपर एक कोड आएगा, उस कोड को आपको यहाँ पे डाल लेना है। और अगर आपके मोबाइल में सिम लगा हुआ रहेगा, जो जो नंबर आपने यहाँ पे डाला है, तो खुद ब खुद ये कोड वेरीफाई कर लेगा, जैसे कि ये कर लिया। अब यह मेरा ऊपर में नाम खुद ब खुद लिख कर आ गया, और यहाँ पे नीचे जैसा कि आप देख सकते हैं सारा डिटेल, और यहाँ पे नीचे मैं दिखा देता हूँ कि एड्रेस भी आपको शो होगा, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर माई एड्रेस में जाके, यहाँ पर तीन एड्रेस हमने सेव करके रखा है, तो यहाँ पर एड्रेस भी दिख रहा है। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं इस तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।